व्हाट्सएप स्टेटर प्राइवेसी पॉलिसी, इस चीज़ का नाम आपने पहले सुना हो या इसके बारे में आप जानते हो तो मेरी इस वीडियो को आप स्किप करके जा सकते हो। स्टेटर प्राइवेसी पॉलिसी, पॉलिसी तो नहीं सेटिंग, सेटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने स्टेटर किन किन लोगों को दिखाना चाहते हैं या किन किन को नहीं दिखाना चाहते, ये हमारे हाथ में होता है और उसी की सेटिंग के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को 2 जन देखते हो या 3 जन देखते हो या हो सकता है आगे चल के कितने भी लोग देख रहे हो, कभी कोई सर्च करके आया हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा बंदा आया हो जो नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी जितने भी बंदे मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तहे दिल से शुक्रिया। और बाकी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है वो कमेंट में 52 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे। बहुत बड़ा लेवल तो नहीं है लेकिन अभी मेरे लिए तो बहुत बड़ा लेवल है 52 भी। इसलिए कमेंट में जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, मैं भी देखूँ मेरी वीडियो यहाँ तक कौन कौन देख पा रहा है, वो 52 ज़रूर कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना व्हाट्सएप खोल लेना है। व्हाट्सएप खोलने के बाद आप स्टेटस पे आ जाइए। स्टेटस पे आएंगे तो आपको जब सर्च बार के बगल में 3 बिंदी आइकन रहता है उस पर क्लिक करें, जिस पर अपन सर्च करते हैं स्टेटस, उसके ऊपर स्टेटस प्राइवेसी लिखा हुआ सेटिंग के ऊपर उस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला माई कॉन्टैक्ट्स, सेकेंड है माई कॉन्टैक्ट्स एक्सक्लूडेड, थर्ड है शेयर विद सिलेक्टेड। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो आपके जो भी स्टेटस रहेंगे वो सभी देख पाएंगे जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। सेकंड वाला ऑप्शन है जिसमें जैसे कि मैंने अपने जो भाइयों को जोड़ के रखा है सिर्फ उन लोगों को स्टेटस नहीं दिखेंगे मेरे, बाकी सबको दिखेंगे, जैसे नहीं दिखेंगे मतलब स्टेटस नहीं दिखेंगे मेरे इनको। और थर्ड नंबर पे है वो है ओनली विथ शेयर। ओनली विथ शेयर में मतलब जिन लोगों को मैंने अभी सिलेक्टेड करके रखा है, सुनील भाई, अजय भाई, इन सभी को मेरे स्टेटर दिखेंगे, सिर्फ इन्हीं को दिखेंगे। यदि मैं इस पर क्लिक करके रखता हूँ यहाँ पे तो इस ब्लू टिक को, ये जैसे ब्लू टिक को मैं राइट कर दूँगा लेफ्ट राइट हैंड साइड से तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और मेरे कॉन्टेक्ट्स, मेरे जो स्टेटर है वो सिर्फ इन 4 लोगों को दिखेंगे शेयर विद सिलेक्टेड में। सिर्फ अब मैं जब स्टेटस डालूंगा तो सिर्फ इन 4 जनों को ही मेरे स्टेटस दिखेंगे, और माय कॉन्टैक्ट्स एक्सक्लूडेड में सिलेक्ट करके डालूंगा तो इनको नहीं दिखेंगे, जिनको मैंने सिलेक्ट किया उनको नहीं दिखेंगे, बाकी सबको दिखेंगे। आप जितने चाहें उतने सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कितने लोगों को नहीं दिखाना है अपने स्टेटस या किन किन लोगों को आपको दिखाना है अपने स्टेटस। एक साथ 2 सिलेक्ट नहीं कर सकते, ओनली शेयर विद कर सकते हैं या एक्सक्लूडेड कर सकते हैं। जब भी आप स्टेटस डालोगे तो आप ओनली शेयर विद पे रखोगे और एक स्टेटस डाल लोगे तो वो स्टेटस इन लोगों को तो दिखेगा, लेकिन आप जब भी सेकंड स्टेटस डालोगे तो वो ध्यान रखना कि आप जो सबको दिखाना चाह रहे हो उसके लिए आप वापस यहाँ पे सेटिंग पे आके आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे लगा ही रहेगा, वरना आप स्टेटस डाल लोगे फिर से इन 4ों को ही दिखेगा। इसलिए आप जब भी स्टेटस अपडेट करोगे माई कॉन्टेक्ट तो लगा ही रहेगा, जब भी आपको स्टेटस अपलोड करना रहेगा, जब आपको चेंज करोगे उसके बाद आपको वापस चेंज करना पड़ेगा, वरना आप यहीं पे छोड़ दोगे तो ये हमेशा यहीं पे मार्क लगा रहेगा, माय कॉन्टैक्ट्स पे ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। इसलिए आप जब भी स्टेटस डालें आपने पिछली बार ध्यान रखें कब स्टेटस प्राइवेसी बदली थी, उस हिसाब से आप कर सकते हो। हर दान आपको बदलना पड़ेगा यदि आप हर दान हर एक अगल अगल बंदे को दिखाना चाहते हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।